नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत चुनाव के लिए खर्च होने वाली राशि सरकार ने जारी कर दी है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण का पर्चा भरा जाएगा। 24 सितंबर को पहले चरण के मतदान के लिए 10 जिलों में 2119 बूथ स्थापित किए जाएंगे। सभी बूथ 1609 मतदान भवनों में स्थित है। पंचायत चुनाव में इस बार पहली दफा ईवीएम का उपयोग भी हो रहा है। 6 पदों में से सरपंच और पंच पद के लिए मतपत्र का इस्तेमाल होगा। चुनाव में 1,87,000 से ज्यादा ईवीएम और 2,08,000 से ज्यादा मतपत्र का उपयोग किया जाएगा। राज्य भर में कुल मतदान केंद्र 1,13,891 है। इसी बीच पंचायत चुनाव खर्च के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 164 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसमें 109 करोड़ रुपए विभिन्न मद में आयोग खुद खर्च करेगा, जबकि 55 करोड़ रुपए जिलों को भी दे दिए गए हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शासन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। सरकार ने राशि खर्च करने में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के अलावा अन्य मद में आवंटित राशि खर्च नहीं की जा सकती है। ऐसे में भुगतान से पहले अच्छी तरह छानबीन और जाँच पड़ताल के बाद ही राशि खर्च करने की अनुमति दी गई है। ज्ञात हो पहले चरण में सभी पद यानी कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवार नामांकन करेंगे। नामांकन के तत्काल बाद नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। 11 सितंबर तक पर्चा की जांच होगी। 13 सितंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे और उसी दिन मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों को 13 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद 24 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 26 और 27 सितंबर को करवाई जाएगी। इसी के साथ पहले चरण का समापन होगा। ये तो हो गई राशि और पहले चरण के चुनाव की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके तहत सबसे पहले प्रत्याशियों का नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी होगा। पंच या वार्ड सदस्य अपनी पंचायत के किसी भी वार्ड से लड़ सकेंगे। जिला परिषद सदस्य जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिन जिलों में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, उसमें रोहतास का धावत और संझौली, कैमूर का कुदरा प्रखंड, गया का बेलागंज और खेजड़सराय, नवादा का गोविंदपुर, औरंगाबाद का औरंगाबाद, जहानाबाद का काको, अरवल का सोनभद्र, वंशी सूर्यपुर, मुंगेर का तारापुर, जमुई का सिकंदरा, बांका का धौरैया में मतदान करवाए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में आयोजित होने वाले पहले चरण में उन जिलों को शामिल नहीं किया गया है जो फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।